ब्रिटिश शासन में बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था, जिसके शासन की बागडोर कलकत्ता में थी। हालांकि इस दौरान पूरी तरह से बंगाल का दबदबा रहा, लेकिन इसके बावजूद बिहार से कुछ ऐसे नाम निकले जिन्होंने राज्य और देश के गौरव के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसी सिलसिले में बिहार के सरन जिले के जीरादेई के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, जो आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सन 1912 में बंगाल प्रांत से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा एक समवेत राज्य बने, जिसके बाद भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में आजादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। इसके बाद 1956 में भाषाई आधार पर बिहार के परुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक तरह से बिहार का पुनरुत्थान हुआ। बिहार से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के पहले आंदोलन की शुरुआत भी चंपारण से हुई थी। अंग्रेजों ने गांधी जी की बिहार यात्रा के दौरान उन्हें मोतिहारी में जेल में भेज दिया था। भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजादी मिली, लगा नए भारत का निर्माण होगा, लेकिन वे सपने जब धूमिल पड़ने लगे, तब एक बार फिर पूरे देश में बिहार ने जन आंदोलन खड़ा कर दिया। दरअसल आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन को कौन भूल सकता है। जेपी आंदोलन ने ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। बिहार की राजनीति और सामाजिक स्थिति में इसके बाद बड़े बदलाव हुए। कांग्रेस से सत्ता बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में आई। एक गरीब परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव लगातार 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौर में कुछ सामाजिक बदलाव जरूर हुए, लेकिन इस दौरान विकास और अर्थव्यवस्था का ग्राफ गिरता ही गया, जिसके बाद बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल करके राज्य की सत्ता वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी।